लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब हम उसे जीना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, और इस जीने को हम इस दो लाइन से समझ सकते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब कि जब तक वो चीज़ बन ना जाए तब तक आप उसके होने की नौटंकी करें, एक्टिंग करें। यानी कि आप अभी उतना पैसा नहीं कमा पाए हैं जितना आप कमाना चाहते हैं या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने भीतर, अपने अंदर, अपने एक्शन में, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में वैसा ही बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं जैसा कि आप उतना कमा रहे हैं। या आप एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हैं, एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, या आप सुंदर होना चाहते हैं, तो आप वैसा ही फील करना शुरू कर देते हैं, वैसा ही बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं, वैसी ही बातें शुरू कर देते हैं जैसा कि आप वो हो चुके हैं। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करना शुरू कर देते हैं अपने आप के साथ, अपने भीतर, आईने के सामने, लोगों के आसपास, जैसा कि आप पर्टिकुलर उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं। आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको ऐसा ही बिहेवियर करना है, ऐसा ही बिहेव करना है, ऐसा ही बर्ताव करना है जैसा कि वो आपकी है। आप उस समय काल में आगे बढ़कर जीना शुरू कर देते हैं। आज मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से चलेंगे। मान लेते हैं कि आपको पर्टिकुलर कोई गाड़ी खरीदनी है, मान लेते हैं कि हाँ, लेकिन इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि आपके मन को भरोसा होना चाहिए। सपोज़ आपको एक बड़ी कार खरीदनी है ना, आप पर्टिकुलर BMW कहते हो कि इस BMW को मुझे ख़रीदना है, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी इनकम, आपकी आय, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, कि आपकी सराउंडिंग ऐसे ऐसे लोगों की है, तो आपका दिमाग उस बात पर, उस फेक इट पर भरोसा नहीं कर पाएगा ना। तो आप अपने बजट में, अपने बजट से थोड़ा ऊपर, जिसमें आप अपनी लिमिट को पुश करके जो कार सबसे अच्छा अफोर्ड कर सकते हो, अपने सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए, जिससे जलनखोरी भी पैदा ना हो जाए, तब ऐसा कोई सबसे पसंदीदा चीज़ों को चुनो और अब अपने भीतर ऐसा बिहेव शुरू कर दो कि वो आपके पार्किंग में खड़ी है, कि आप उसमें ड्राइव करके जा रहे हो, आप उसमें किसी को बैठा करके घूम रहे हो, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो, अपने डेट के साथ डेट्स पे जा रहे हो, डेटिंग कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी आपका है ना। तो उस लाइफ को जीना शुरू कर दो। आप उसे अपने घर में ला के रख रहे हो, आप उसे वॉश कर रहे हो, आप उसे ढक कर रख रहे हो, आप उसकी EMIs पटा रहे हो। हाँ, इवन मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि यहाँ पर आपको EMI के लिए उस जो भी उसका EMI बनता है 15,000-20,000 रुपये, वो आप निकाल के अलग करना शुरू कर दो, ताकि आपको ये फील आए कि पर्टिकुलर उस गाड़ी के लिए आप EMI अलग करना शुरू कर चुके हैं। तभी मैनिफेस्ट होता है कोई चीज़। किसी चीज़ को बिल्कुल वैसा फील कर लो जैसा वो है आपके साथ। इवन परमात्मा को भी हम ऐसे ही मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अगर आप जानते हैं तो उन्होंने माता काली को मैनिफेस्ट कर लिया था अपने जीवन में। कैसे किया था? कि वो उनके साथ हंसते थे, बोलते थे, खाते थे, झगड़ा करते थे, उनके साथ बहस करते थे, उनसे सवाल पूछते थे, उन्हें जवाब देते थे, उनके साथ हर वो चीज़ करते थे जो एक बड़े भाई, बड़ी बहन, अपनी माँ के साथ, अपने दोस्तों के साथ हम जो करते हैं, वैसा वो काली माता के साथ करना शुरू कर चुके थे। और ऐसे ही एक समय आया जब माता काली उनसे मैनिफेस्ट हो गई, वो माता काली में जाके समा गए, माता काली को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ऐसा होता है फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब कि फेक इट उस टाइम तक वैसी नौटंकी करो जब तक आप उसे मेक इट ना करो, जब तक आप उसे मेक ना कर लो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी कि कब तक हमें ये फेक बिहेव करना है, कब तक हमें ये करना है और कब हमें रुक जाना है, इस पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, इसके जस्ट बाद आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेक इट टिल यू मेक इट में कब रुकें, कब तक फेक इट करें, कब तक किस लाइन के पास हमें क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज से अप्लाई कर लीजिए कि आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी होना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसे
अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें।